लो जी, अज असी जा रहे हैं कोटदबा। तकरीबन पहुँच ही गए हैं। यह तुसी देख रहे हो दरिया है जिहड़ा कोटदबा दे शुरू विच है। यह पुल भी उस जमाने का ही है जो बनाया गया सी। मशहूर कैथीड्रल या मस्जिद है, क्या दसो मस्जिद ही जाता है, लेकिन उन्होंने इस कैथीड्रल विच एक चर्च विच तब्दील कर दिते है। देखो बहुत सारे बंदे इसको देखने वास्ते आए हैं, पूरी दुनिया के लोग इसको देखने वास्ते आए। दरिया जिहड़ा आस्ता आस्ता चल रहा है। उसका मिनारेट है जिहड़ा बड़ा मशहूर भी है इस वास्ते, 500 तो कुछ मीटर हाई है। अंदर जाने वास्ते टिकट लेना पैंदा है, और हुण असीं जा रहे हैं उस पास ताकि पहला टिकट लवीए और उस एंटर होइए, तो फिर देख रहे हैं कि अंदर इसे की है और सारा इकट्ठा शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल मुराकन स्टाइल का बने हैं। देखिए मीनारा जड़ा है, असल बादशाह जिसने बनाई सी ना, ये उससे पुत्र ने को बनाया सी। सन 700 तो कुछ भी जब मुसलमान इधर आए सन उसे तो बनया सी। ईसाइयों का क्लेम यह है कि यह पहला बेसिकली इसी जगह उपर एक चर्च होंदा सी जिहड़ा इन्होंने ढा के मस्जिद बनाया। जब उन्होंने दोबारा इस पर कब्जा किया तो उन्होंने वापस इस चर्च भी तकसीम कर लिया। और यह सारा जिहड़ा ना ये स्पैनिश डिज़ाइन नहीं है, ये सारे का सारा डिज़ाइन जिहड़ा मुराकन्स है जिहड़ा अरबी टेक्स्ट उसके मुताबिक है। इसकी सब तो उच्ची जिहड़ी बिल्डिंग है वह मीनारा ही है। हुण असीं जनाब बस अंदर पास जा रहे हैं। बेटे नूं भेजा सी कि टिकट लैके आवे ताकि असीं अंदर जा सकीए। इस अंदर आ गए हैं। अंदर तुसी देखो तो सारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उस तरह ही अरबी स्टाइल जिन्होंने रखी है, वो इन्होंने इतनी चेंज नहीं की थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर दी हैं। इस तरह मीनारा जिहड़ा उस इन्होंने बेल टावर भी चेंज कर दिते है। अंदर मस्जिद वाली तुसी कोई गल भी नहीं रह गई, सिर्फ ये है कि तारीखी तौर पर जो कि मस्जिद सी इस वास्ते उन्होंने इसका ना ही रख दिता, मस्जिद और चर्च इकट्ठा, मस्जिद और कैथीड्रल रख दिया, सॉरी एक ही गल कर दी है। और कोटदबा की वो मस्जिद है जिस वास्ते अलामा इकबाल ने भी शेर लिखे सी। इस हालत में देखकर उन्होंने भी अफसोस होया सी। बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जे वो किसी तरीके नाल भी मस्जिद नहीं रह गए। लोग आमदे कहते जी मैं दो नफल पढ़े सी। मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता है, प्रणिश उसी फोटो पहले देखो फिर गल करते हैं, पहले ऐसा लगती होंगी सी। मेरे ख्याल में इस जगह उपर नफल या नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। एक तो बंदे बहुत सारे होंगे, दूसरी गल है कि उन्होंने हर जगह पर स्टैचूज ला देते हैं और स्टैचू के सामने तो कहते भी थोड़ी नमाज नहीं होती। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग एक दावा कर दें कि असं गए सर असं जनाब मस्जिद कोटदबा भी दो नफल पढ़ के आए सर। यह पुराने जमाने की उन्होंने चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल कर रखी हैं। छत देखो कितने हाई, स्पैनिश कल्चर में यूरोपियन कल्चर में इतने उच्चा छत नहीं होता, यह सिर्फ अरब कल्चर से इस तरह हो जाता है। और चूंकि बिल्डिंग अरबा ने बनाई सी इस वजह से आली भी हुई है। इन्हें छोटे छोटे अंदर मज़ार बनाए जो उन्होंने सेंट्स हैं उन्होंने उपर मुख्तलिफ चीज़ा लाइया ने, जिस तरह साढ़े को साढ़े बाबे होंगे ना इस तरह इन्होंने सेंट्स होंगे। ये भी अप खास तौर पर जो कैथोलिक हैं वो उन्होंने साढ़े बहुत सारी आदत मिलनियाँ, असं अपने बाबे के पिछे जरूर चलने हैं और ये अपने सेंट्स के पिछे चलते हैं। कल दोवे की सेम ही है। मस्जिद बहुत वड्डी सारी है, इस वास्ते मेरे ख्याल है कोई 10-11 मिनट की जरूर वीडियो बन जाएगी, इस तो छोटी नहीं होएगी। और कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ साढ़े शेयर की जा सके, तो देखते जाते हैं। और जो मेरे सामने कोई चीज़ आनी है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी पढ़ पढ़ के तुम्हें दिखाना चाहता है। यह देखिए एक और सेंट है, सारे इस तरह के। अगर कोई बंदा फिर भी दावा करे कि मैं इसे अंदर जाकर नफल पढ़े, तो पता नहीं उसने किस सोच विच किस तरीके नफल पढ़े होंगे। ऐसी जगह पर तो कोई नफल पढ़ नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। मस्जिद तो ज़्यादा इस उन्होंने म्यूजियम विच कन्वर्ट किए हैं। दुनिया पूरी जो बंदे आते हैं इन्हों एंट्री देते हैं, पैसे बढ़ते हैं इन्होंने, कुछ टूअर्स होंगे वो जिस तरह अं आ गए अपनी मर्जी ना ही बस सारे पास देखते जाओ फिरते टूरते जाओ। और कुछ टूअर्स ऐसे जे गाइडेड टूअर हैं। यह देखिए भी इन्होंने किसी सेंट का मज़ार है उन्होंने बनाया, और बहुत सारिया चीज़ा इन्होंने शायद उस दीवार के हिस्से जिस क्लेम करते हैं कि चर्च होंगे सी, तो चर्च तोड़िया मुसलमानों ने वो दीवार के पत्थर जो लै गए। यह देखो यह भी इन्होंने सेंट है
जिसका नाम ही नाल लिखे है, और इस तरह ही उन्होंने स्टैचू वैसू बनाए ने, क्योंकि कैथोलिक्स बहुत सारी आदत ना साढ़े ना मिलदियाँ जुलदियाँ, जिस तरह असं रहते हैं भी इस तरह ही रहते हैं। बेसिकली सारे मजहब जड़े अल्लाह की तरफ, खास तौर पर यहूदी ईसाइयत और इस्लाम, असी बिलीव करते हैं कि साडा इस उपर अगर मजहब अल्लाह का मुकम्मल करता है, जिस तरह अल्लाह कुरान च कहते हैं कि आज दीन में मुकम्मल कर दिता है इस वास्ते। तो लेकिन बेसिक गल्ला उन्होंने सेम ही सारिया, इस वास्ते बहुत सारे काम भी साढ़े सेम ही। यह देख रहे हो कितनी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की दिया इस मस्जिद के अंदर, वो चीज़ नहीं रह गई बिल्कुल। मैं बार बार रिपीट कर रहा, जिस टाइम मस्जिद होनी सी ये मस्जिद नहीं रह गई है, एक तुसी म्यूजियम कह सकते हो, ना मस्जिद है ना कैथीड्रल है, लेकिन उन्होंने सुना दे दिते है ग्रांड मस्कीता दे कोर्दबा, और इसको डिक्लेयर उन्होंने कैथीड्रल किए है, और लेकिन ऑफिशियली ये म्यूजियम ही है, ये बिल्कुल किसी किस्म की कोई मस्जिद नहीं है। किसी जमाने जिस तरह अजाना होंगे सी, नमाजा पढ़िया जाएँ सी, लेकिन जब तो इन्होंने वापस फतह किया सारा इलाका मुसलमानों, मुसलमान नहीं बल्कि मुराकर मुसलमान, उन्होंने जब इस बार कढ़िया ने, बहुत सारी लड़ाई हुई, बेशुमार बंदे दोनों पास के मरे से, उस बाद आज़ादी हुई सी। इस वजह तो इन्होंने मुराकन नाल स्पैनिश उन्होंने पसंद भी नहीं करते, इन्होंने आपस में लड़ाइया झगड़े चलते रहते हैं। यह देखो यह भी स्टैचू है, हूँ इधर खड़ो के कोई अगर नमाज पढ़ेगा तो क्या करेगा, देखो। उम्मीद है कि तुहानू वाली वीडियो पसंद आएगी, अपने कमेंट्स में दसना कि कैसा लगे तुहानू। इस तरह ही पूरी मस्जिद है।